और लोग कहते हैं कि कराने में मीटिंग क्यों करी, कराने में मीटिंग क्यों ना करें। कराना एक बॉर्डर का हमारा गांव और कस्बा है, ये वैचारिक क्रांति थी, ये पूरे हिंदुस्तान में गई। इस वैचारिक क्रांति से जो भी बच्चे जुड़े, जो भी नौजवान जुड़े, वे बेरोजगार युवा जुड़े, उनका एक ट्रेनिंग स्थल वहां पर था। वे बड़ी सोच लेकर वहां से सरकार 13 महीने बाद में मानी, तो 13 महीने बाद ही वे गए। तब मीडिया के लोगों ने आपको 24 घंटे आपको दिखाया, वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमारे सोशल मीडिया के बच्चे हो, उन्हें उस आंदोलन को सीखने के हिसाब से ट्रेनिंग वहां से दी। और जिन बच्चों ने पूरा लगन से वहां पे काम करा, वे आने वाले टाइम पे बड़े बड़े एंकर और चैनल वे खोल देंगे। भारत सरकार से हमारा यही कि जो समझौता हुआ उस समझौते पे काम करें। एमएसपी का इशू चला है पूरे देश भर में, अब एमएसपी को पत्रकार जान गए, एमएसपी को गांव का किसान जान गया, जो अपने खेत में फसलें बोता है उसको एमएसपी का पता चल गया। एमएसपी सरकार को नहीं देनी, ये गलत फहमी है जो सर बताते हैं कि एमएसपी सरकार को देनी है। करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए की हम 23 फसलें एमएसपी पे तैयार करते हैं, उसको अगर हम 3 पार्ट में बांटे तो 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें हम अपने घर में कंज्यूम करते हैं, उसको हम खाने के लिए रखते हैं, अपने पशुओं के लिए रखते हैं, अपने बीज के लिए रखते हैं, और कुछ वो खराब हो जाता है। तो एक औसत सा मान लें कि 4 लाख की हमने खत्म कर, तो बचिए 8 लाख करोड़ रुपया। 4 लाख करोड़ रुपए की हम फसलें ये मान लेते हैं कि उसकी एमएसपी पे खरीद होती है, वो कम दिवसीय हो सकता है। भारत सरकार उसका पैसा देती है कि हमने 4 लाख करोड़ रुपए की फसलें किसानों से खरीद दी। अब घपला कहां पे है? 2.5 लाख करोड़ रुपया तो सीधा किसान के आ जाएगा और 1.5 लाख करोड़ रुपया जाएगा व्यापारी की जेब में, जो सस्ते में आपसे खरीद के और एमएसपी के नाम पर भारत सरकार को बेचते हैं। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया तो आएगा वहां से, सरकार भी कौन देगा उसमें? अगर गारंटी कानून बन जाएगा तो 4 लाख करोड़ रुपए की जो खरीद होगी वो सीधे किसान से होगी, व्यापारी उससे नीचे पे खरीद नहीं कर पाएगा। आ गया 1.5 लाख करोड़, हम अपना 50 क्विंटल धान नहीं बेच सकते, व्यापारी 25 से 30 हजार क्विंटल फसलें बेचता है। तो ये एमएसपी की लड़ाई जारी रहेगी। अभी भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, हम पूर्ण रूप से उसमें अपना पक्ष रखेंगे। 12 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलें देश में पैदा होती है। मोटी मोटी सी रफली सी बता देंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एक मिनट में कि एमएसपी है क्या और एमएसपी भारत सरकार लाखों क्यों नहीं करना चाहती। अब और सुनो, 4 लाख करोड़ रुपया बच गया उसको बाजार खरीदता है, वो दूसरी जगह बेचने में उसका व्यापार होता है। इसमें अगर एमएसपी की गारंटी कानून होगा तो उसके कम पे वो भी खरीद नहीं होगा, क्योंकि जो व्यापारी है वो महंगे दाम पर बेचता है बाजार में और कम दाम पर खरीदता है। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया वहां से आएगा। तो ये समझ लो कि 3 लाख करोड़ रुपया जो बड़े उद्योगपति हैं उनकी जेब में जाता है, सरकार की जेब से 1 रुपया नहीं आना। ये मोटा मोटा सा आंकड़ा एमएसपी पे है। और जब वो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में आएगा, किसान के पास में आएगा, वो मकान बनाएगा, वो मिस्त्री का जाएगा, वो लोहे में जाएगा, वो बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, वो कपड़ा खरीदेगा, वो सोना खरीदेगा अपने बच्चों के लिए, कोई ना कोई उससे व्यापार करेगा। तो 3 लाख करोड़ रुपया बाजार में जब घूमेगा किसान के उससे, तो भारत सरकार उससे टैक्सेस जाएंगे। तो एमएसपी अगर लागू होगी तो भारत सरकार को टैक्स मिलेगा,
ये एमएसपी और उनके वहां पे जो बैठने वाले जो साइंटिस्ट और बड़े बड़े लोग हैं वे कहते नहीं भारत सरकार को देना पड़ेगा। उनका साफ कहना यह है कि जो बैल है जो गाय का बछड़ा है या भैंस का पड़वा है कटड़ा है अगर वो 2 लीटर दूध पीता है तो आज के हिसाब से अगर 40 रुपए या 50 रुपए दूध का रेट है तो 100 रुपए का रोज हो गया तो 1 महीने में 3000 रुपए का गाय का बछड़ा दूध पी गया ये किसान को नुकसान है। तो टिकैत साहब ने उनको कहा आज से 35 साल पहले कि भाई रुक जा प्रोफेसर साहब रुक जा मैंने खेती नहीं कर रखी अगर तू गाय के बछड़े के दूध का हिसाब रखना है तो तेने बैल कभी नहीं चलाए तेने बैल की हथेली नहीं पकड़ी हल्की तू व्यापारियों का वकील हो सकता है किसान का व्यापारी नहीं हो सकता व्यापारियों का वकील हो सकता है किसानों का वकील नहीं हो सकता। तो ये आज भी वे लोग आज भी उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आज भी है वे जिनको भारत सरकार कहती है कि यही रहेंगे हमारी कमेटी में वे व्यापारी कहते हैं उनको ये है एमएसपी। बहुत बड़ी प्रेस आई दिल्ली तक के लोग कवर करने आ रहे कि कैराने में जा रहे कैराने में जा रहे कैराने में क्यों जा रहे जी आ जाएंगे भाई कैराने में भी जाएंगे कैराना का मजदूर जो हमारा नौजवान है वो पानीपत में काम करने जाता है जी जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं पानीपत में काम करने जाते हैं वे इंडस्ट्रीज यहाँ पे भी लग जाए कैराने में इसलिए जा रहे कैराने में इसलिए जा रहे कि जो यहाँ पे बिजली के खंभे दिखते हैं अगर ये खंभा उत्तर प्रदेश की जमीन पे है तो किसान को 175 रुपए हाफ पावर बिजली का बिल देना पड़ता है और अगर यही जमुना के पार होंगे तो उसको 35 रुपए हाफ पावर देना पड़ता है। केरल में जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार को बताएंगे कि बिजली के रेट हरियाणा के बराबर करो और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमजोर नहीं है हरियाणा वाले से कि हरियाणा वाला 35 रुपए करेगा और यहाँ पे 75 रुपए करेगा 175 रुपए उनसे कमजोर नहीं है उनसे बहुत मजबूत है जाएंगे लखनऊ बात करने उनका कंपटीशन करवाएंगे वो भी बीजेपी की सरकार है यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है करेंगे गन्ने का भाव वहां पे ज्यादा है यहाँ पे कम है करेंगे बात कराने में 4000 करोड़ रुपया बकाया है अभी उसकी भी बात करेंगे सब चीजों की बात होगी कराने में सरकारी प्लान है कराने में सरकारी प्लान है इसको प्लान कहें या प्राण कहें प्लान प्लान के तहत प्राण हो रहा है प्लान ये सरकारी है इसके बहकावे मत आना कोई किसी को नहीं भेज रहा अपने काम पर ध्यान दो अपने रोजगारों पर ध्यान दो उस पर ध्यान दो बहुत बड़ी संख्या में हर रोज यहां से आदान प्रदान हमारा पानीपत का है बहुत से बच्चे वहां पे अपना काम करते हैं उस पर ध्यान दो इन सियासी चालों में मत पड़ो यहां पे मेल मिलाप है सबका और वो मेल मिलाप ही रहेगा इसलिए कराने में आए अपना खेती किसानी पे गांव पे गरीब पे रोजगार पे उस पर ध्यान दो जो किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है करीब 50,000 से ज्यादा मुकदमे हरियाणा में दर्ज है और 25-30 हजार लोग पे हमारे पे उत्तर प्रदेश में भी दर्ज है जिनके पास में नोटिस गया अगर कोई ट्रैक्टर वहां पर लेकर चला गया तो उसके पास में नोटिस जाएगा तो वो भी बात करेंगे वे 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की भी बात करेंगे हम सरकार से पंपिंग से जनरेटर 10 साल में बदले जाएंगे जी हमने कहा जी 10 साल में तो नहीं बदले जाएंगे हम ये ट्रैक्टर आपको दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चला कर दिखाएंगे हमने मगर 26 तारीख की परेड
सीपी जयसवाल उसको दिखा दो तो 4 लाख ट्रैक्टर वापस गए, कह लेंगे जी आपने तो दिल्ली की सड़कों को खराब कर दिया, ट्रैक्टर चला दिए। अरे अब सरकार खिरी है वो दान पुण्य करेगी, और गांव के लोग की कहावत है जो कुछ सरकार ने दिया तेल पर ले लगे। अभी चुनाव आचार संहिता तक जिस भी स्टेट में चुनाव है आप अपने विचारधारा ठीक कर लो, तो ये आपको दे देंगे, आपकी नहीं होगी तो किसी और को दे देंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तो आपकी योजनाएं आपके काम बताएंगे, ठीक है भाई। हाँ हमारा संसार बहुत दूर है तो अपना अपना काम करो, काम बहुत संख्या में लोग आए, अपना भाई धन्यवाद, इस नौजवानों का भी धन्यवाद और सभी का धन्यवाद जी जिसने अपने बच्चे भाई पढ़ाई पर भी ध्यान रखो, तो जय हिंद और जय भारत।